हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन नॉलेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी कंप्यूटर का अगर कीबोर्ड ख़राब हो जाए तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे यूज करते हैं, इसको कहां से लाते हैं, कैसे ओपन करते हैं, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको ऑन करने का दो तरीका होता है। सबसे पहला तरीका है, स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद या तो यहाँ पे साइड में कहीं भी लिखा हुआ आ जाएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, या फिर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा, या फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिखते ही हमारे सामने आ जाएगा ऊपर में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जिसको ओपन करने के बाद वो ऑन करने के लिए बोलेगा तो ऑन करेंगे तो आ जाएगा। या फिर अगर नहीं आ रहा है तो एक तरीका और है। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल पैनल में जाएंगे, इस साइड भी रहता है कंट्रोल पैनल, या फिर इसमें लिखेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जाएंगे पहले ओके करेंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हमारे सामने बहुत सारा ऑप्शन खुल के आता है, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर का मेन सेटिंग जो बोलते हैं वो कंट्रोल पैनल को ही बोला जाता है। इसी में कंप्यूटर का सारा फंक्शन रहता है, जिसको बंद या चालू कर सकते हैं। तो इसको ऑन करने के बाद हमारे सामने सबसे राइट साइड में यहाँ पे ईजी ऑफ एसएस सेंटर लिखा हुआ है। ईजी ऑफ एसएस सेंटर को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर से दूसरा है, ये लिखा हुआ है स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो इस स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे एक बार प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है ये ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी हम टाइप करेंगे वो इसमें लिखाएगा, जैसे हमारे एक्सटर्नल कीबोर्ड होते हैं उसी तरह ये कीबोर्ड है, सेम काम करता है। अगर कभी भी हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में एक्सटर्नल कीबोर्ड ख़राब हो जाए तो हम इसको इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। इसके लिए यह दिया गया रहता है, जो कभी भी अगर ख़राब हो जाए तो इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखें, जो किसी भी कंप्यूटर का ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे ऑन करते हैं और कैसे इमरजेंसी में इसे ऑन करके यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।